हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और कल थी होली और होली आज ख़त्म हो गई है, आज दिवाली नहीं है। और आज है होली से अगला दिन 26 मार्च 2024। और हमारे गली में हमारा जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा था ना, आज हम उसे फेंकने जा रहे हैं जहाँ पे कूड़ा डलता है। यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती यार, पता नहीं आती है कब आती है, हमें पता नहीं चल पाता। तो बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो मैं और काल जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। इतना सारा कूड़ा है और पीछे एक काले काले टी शर्ट में भी आपको कूड़ा दिख रहा होगा, दोनों को फेंक दूंगा साथ में। तो भाई आ गए हैं और ये है हमारे यहाँ का जाना माना सीआरपी, और यहीं गाड़ी कूड़ा फेंकती है जो आती है ना कूड़े वाली गाड़ी, तो हम भी यहीं डाल दे रहे हैं, है ना। ये कूड़ेदान ही है, सारा कूड़ेदान का एरिया है। और भाई पता नहीं इतनी गर्मी सी होने लगी यार, अब तो मेरे को गर्मी सी लग रही है बहुत ज़्यादा। और अपना बोरा ले जा रहे हैं हम, क्योंकि भाई दोबारा भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें कूड़े। ये भाई जब से हम इस जगह पे शिफ्ट हुए ना, तब से अब तक का कूड़ा है। चलो जी। और भाई आगे ना एक न्यूज़ वाले भैया आए हुए हैं, मैंने पहली बार देखा, कोई जी न्यूज़ कंपनी है, फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, देखो आपको पता लगेगा अभी न्यूज़ वाले कैसे वीडियो बनाते हैं। अभी देखना क्या काम भी आ जाए, चलें। कोमल नहीं आई, कोमल भाई थोड़ी उस टाइप की लड़की है जैसे, मतलब हम छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, वो वीआईपी टाइप की लड़की है। वो ऐसे कूड़ा कूड़ा फेंकने का ही आई, वो बाहर भी कम निकलती है घर से। काजल ऑलराउंडर है, काजल को जो बोल दो वो कर देगा। बैठ, देख लो भाई न्यूज़ वाले बंदे वीडियो कैसे बनाते हैं, ये आपको पता लगेगा। डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम इनको, ऐसा होता है देखो। भाई मेरे को अभी पता चला कि भाई यहाँ पे इस एरिया में कोई मर्डर वर्डर हुआ है, वो हमें बोलते थे कि आप चले जाओ। तो मुझे तो आज पता चला भाई, कल हुआ होगा, क्या पता होली होली में खून ऊन पड़ा हुआ था। तो चलो चलते हैं घर, बहुत गर्मी हो गई भाई, बाहर गर्मी फुल खतरनाक वाली चालू हो चुकी है। चलो भाई कूड़ा फेंक के घर आ गए, और भाई गर्मी बढ़ गई, अब तो पंखा चलाना स्टार्ट हो गया, अब पूरे दिन चलता है, अब से आज से पूरे दिन चला करेगा, गर्मी बढ़ गई है। और मैंने मम्मी से भिजवा लिए ये वाले पापड़, मेरे को ये वाले पापड़ बहुत मिस करते हैं भाई। और 1:30 बज गया भाई, आज काम पे भी नहीं गया क्योंकि यार बहुत थकावट हो रही थी, कल बहुत डांस किया था होली पे। तो अभी 3:30 बजे जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। चलो भाई घर से ना काम पे गया था, फिर काम पे से इस आसिक भाई ने मुझे बुला लिया, मुझे तो बुला लिया, और खुद अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। पता नहीं भाई इसको, मैं बोलता हूँ यार दोस्तों के संग जब तक रहे यार तब तक नहीं करनी चाहिए बात यार। बताओ, मेरे को बुला लिया और खुद बात कर रहा है, और मैं अब राजेश को बुलाने के लिए खड़ा हूँ राजेश के घर के नीचे। और कल खूब ज़्यादा डांस करने के बाद ना बहुत ज़्यादा पैर वैर दर्द कर रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है, और काम भी कुछ किया नहीं है। काम पर मैं गया था 3:30-4 बजे और 8:30 छुट्टी कर ली। आ जा जल्दी आ जा, बन रहा है बस व्लॉग भाई, पैर दर्द कर रहे हैं यार आज। और काके भाई कैसे हो, हैं? हाँ नहीं यार वैसे वाले पैर दर्द नहीं, कल डांस ज्यादा कर लिया ना उसके वजह से। क्या कर, हाय राजेश भाई, देख तेरे बता तो रखा है ना कि करता हूँ मैं राज मूवी का। मतलब कोई नहीं भाई, लाइव दिखाएंगे ना हम यार, करते हैं। चलो भाई चलो यार, राज भाई हमारे साथ घूमने चलो यार। राजेश तेरा ही पैर दर्द कर रहा है क्या? पूरा शरीर यहाँ पे दर्द। हाय सचिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। हैं? कल आपने बहुत डांस किया, कुछ पैर में दर्द वगैरह? थोड़ा बहुत हो रहा है। चलो भाई हम लोग आए हैं अपने पास के पार्क में, और 40 के मोमोज और 4 लौंडे, वो जानते हैं। ओए राजेश, अबे जब इसका सीन है मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ ना, इतनी गालियाँ काटनी पड़ती है मेरे को भाई, इसके सीन पे गालियाँ ही गालियाँ काटनी पड़ती हैं। जब भी चालू होता है ना तो भाई गाली नहीं बकता, शांत रहता है, मतलब जितनी अच्छी बातें कर सकूं वो करता हूं मैं। राजेश संस्कारी है भाई। हरी चटनी भी डालू भाई, मैं डालता हूं। वो मत डाल, जल्दी जल्दी नहीं खाएगा वे सचिन, दो ही तू दो खाएगा ना खाली, ठीक है? अबे इसमें है 6 मेरे हिस्से में। ओ भाई बातचीत करते करते राजेश का गेट बंद हुआ, बंद असली राजेश का गेट बंद हो गया रे बाबा। अभी तो राजेश को कोई कुछ नहीं बोलेगा, सामान लेके जा रहा है ना राजेश। अपनी मोहिनी के लिए देखो धनिया ले लिया मैंने 10 रुपये का, इतना सारा दे दिया अंकल ने। मैंने बोला खरगोश के लिए ले जा रहा हूँ, बोल रहे सारा ले जा बेटा। वो देखो आसिक
इस बंदे को मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे साथ रह कर तब तक बात होती है पर भाई बंदा मानने को तैयार ही नहीं है भाई। ज़्यादा रात हो जाती है ना यार, बड़ा कुत्तों से डर लग रहा है यार। मैंने अपने दोस्तों को ना एक ऑफर दिया, मैं बताता हूँ कि दोस्तों को बोला जैसे ना हम सुबह 9 से लेकर रात के 9:30 तक का काम होता है, हम सब तीनों दोस्तों का यही टाइमिंग है काम की। तो मैंने बोला भाई 9 बजे या 8:30 बजे छुट्टी कर लिया करो, सुबह जल्दी चले जाया करो और शाम को रोज़ मिल लिया करेंगे यार, अच्छा रहता है यार। ऐसे मैं रोज़ दोस्तों से मिल लेता हूँ ना तो थोड़ा सा ना मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है जो भी कुछ लफड़ा हुआ होता है दिन में। तो एक ने दोनों एक राजेश ने तो हाँ बोला है, बाकी दो बंदे वो बाकी एक बंदा जो सचिन नाम का है ना उसने मना कर दिया। एक तो भाई जहाँ मैं रहता हूँ ना गली के कोने पे ही 4 खूंखार से कुत्ते रहते हैं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आगे भी ना बोले। देख तो यार है। हाँ भाई लाडले क्या हाल है भाई, आप कितनी जल्दी में क्यों आ रहे हो भाई? अरे घर से लग रहा है जाना पड़ेगा यार। बड़ा डर का माहौल रहता है यार, बस इन लाइफ में ना इन्हीं चीज़ों से मेरे को डर से डर लगता है। तो पीछे पीछे आ रहा है, बच गया, चलो लेट्स गो घर। हाय, धनिया खाएगा? कितने को है धनिया बता? 10 के हैं। 10 के हैं? 5। मम्मी ने तो और कम बता दिए, 5 के। कितने भाई बाबा? 5। इससे लेट लाए हो इसलिए, वैसे 10 के हैं। 10 के हैं है ना, और लोग बोल रहे ज्यादा हैं 10 के। तो भाई घर पे आ गए हैं और भाई आज ज्यादा व्लॉग नहीं बनाया मैंने, और हाँ एक चीज बदली आज हमारे घर में, जो हमारी एक लाइट थी ना वो हमारी नहीं थी, हमारे मकान मालिक की थी, वो ले गए। रोशनी सही थी यार उससे, अब उसके बिना ना रोशनी थोड़ी कम लगती है, इसलिए हमने तो ना लो है वो जूम करो हमने, इसलिए हमने एक लाइट वहाँ लगा ली और एक लाइट ये ली, और उनका पंखा भी एक लगा था वो। और भाई आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया और बस दोस्तों से मिला और घर आ गया, बाकी तो गर्मी आ गई है, बिना पंखे के चैन नहीं मिलता। और मेरे को आज पता है एक चीज़ बताता हूँ दिल की बात, जैसे ना मैं मतलब किसी भी बड़े लोगों को देखता हूँ ना, जैसे अमीर लोगों को या जिनका मकान अच्छा बना है, तो मैं आजकल ये सोचता हूँ यार कि मेरा क्यों नहीं है, अफसोस करता हूँ, फिर अपने आप को ही कोसता हूँ कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार कि जो भी है सही है यार, भगवान ने सही दिया, क्योंकि फिर मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ ना जो मतलब मेरे से भी नीचे लेवल पे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है या फिर जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, फिर सोचता हूँ यार कि उनसे तो ठीक ही हूँ। तो कोई ना यार, मेहनत करेंगे। और एक तो दिल इसलिए टूट जाता है क्योंकि यार मैं ब्लॉग बनाता हूँ, व्यूज़ भी नहीं आते कभी कभार, सोचता हूँ व्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कम लोग देखते हैं, इतने साल हो गए मेरे को। पर कोई ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी ठीक है। और बस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और मम्मी अपना काम कर रही हैं और मैच ख़त्म हो गया, गुड नाइट बहन, हेलो गुड नाइट। क्यों जब खुद की नींद देख रहे? मम्मी मैं सो लेना, फिर बता मैं उठने आ जल्दी। गुड नाइट, गुड नाइट। हां मेरी जान, चलो बाय। और सॉरी आज के व्लॉग में कुछ खास नहीं था।